नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं आंजनेय दुबे। जनपद में ऑटो रिक्शा से यात्रा करते समय पीड़िता का बैग भूलवश ऑटो में छूट गया था। बैग में 5500 रुपया नगद, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य सामान था, जिसके संबंध में पीड़िता द्वारा यातायात पुलिस को सूचना दी गई थी। यातायात पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ITMS कंट्रोल रूम के माध्यम से रिक्शा का पता लगाकर बैग बरामद करते हुए संपूर्ण नगद राशि सहित सारा सामान पीड़िता को सुपुर्द किया गया। पीड़िता द्वारा यातायात पुलिस की सराहना की गई एवं धन्यवाद दिया। 5500 पूरा पैसा है? हाँ जी। और क्या सामान था? पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, मेरा ATM था। अच्छा, और क्या था? सब 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 सामान मिल गया? कहाँ छूटा था? अब ये तो मुझे नहीं पता। ऑटो में कहाँ बैठे थे आप? हम यहाँ आश्रम में बैठे थे। और कहाँ जाना था? जाना था वहाँ नौका। अच्छा, तो कब छूटा था? रिंग में। अच्छा, तो आपने कहाँ सूचना दिया? मैं यहाँ पे पैडली गंज जो वहाँ पे मैंने दिया। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस को सूचना दिया, ट्रैफिक पुलिस ने खोज के आपको दे दिया? जी, वहाँ से कंट्रोल रूम के पास फोन किए हैं, तो कंट्रोल रूम से ट्रैफिक पुलिस ने इतनी जल्दी खोज के दे दिया। आप क्या कहेंगे ट्रैफिक पुलिस को? जी, उनका शुक्रिया है, मेरा बैग चोरी हो गया था कि गिर गया था क्या, मैंने उनको। चलिए ठीक। गोरखपुर प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि ठंड में प्राणी उद्यान केंद्र में अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था बनाई गई है। बंदरों और सांपों के बाड़े में कंबल रखा गया है, जिससे उनको ठंड न लगे। यदि ज़्यादा ठंड रहती है तो अलाव भी जलाया जाता है। हम लोगों ने हर बाड़े में पुआल रखा है। उन्होंने कहा कि पुआल ऐसी जगह रखा गया है कि जहाँ से हवा आती है, जिससे कि जानवरों को ठंड न लगे। इसके अलावा बाघ व शेर के बाड़ों में हीटर व ब्लोअर लगाया गया है और सांप के घर में एसी लगा हुआ है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रह सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने कहा, ठंड तो बहुत है, इसको देखते हुए जो भी हम उपाय करते हैं, चूँकि अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं। अभी आप देखेंगे कि जो बंदर हैं और जो सांप हैं, इनमें कंबल दिया गया है ताकि वो कंबल में बैठ जाते हैं, और हिरनों के बाड़ों में दिन के समय तो अलाव भी जला दिया जा रहा है ताकि ठंड से थोड़ी सी राहत मिले अपने हाथ, चूँकि गोरखपुर के क्षेत्र में पाला भी गिर रहा है, तो उसके लिए भी बचने के लिए थोड़ा सा अलाव की व्यवस्था की गई है। बाकी वहाँ पे हम लोग हर बाड़े में कम से कम 2 से 3 स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुआल रखे हुए हैं, जिससे कि उस पर जानवर बैठते हैं, और वो पुआल ऐसी जगह रखा गया जहाँ पर हवा का असर भी कम रहे और वहाँ पर ऊपर से भी आसमान भी ढका रहे, ऐसी जगहों पर पुआल बिछाए गए हैं। इस तरीके के व्यवस्थाओं को हमने हर हिरण के बाड़े में कर रखा है। भालू से लेकर टाइगर, लायन, लेपर्ड और भी जो अन्य वन्य जीव हैं जो रात को अपने नाइट सेल में आके रहते हैं, उन सभी बाड़ों में ब्लोअर, हीटर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ जो हमारा सांप घर है, सांप घर में एसी का प्रबंधन किया गया, उसमें VRV सिस्टम लगा हुआ, जिससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, एक नियत तापमान जो हमारा 27-28 डिग्री के आसपास, उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, जिससे सांपों को कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी कुछ वन्य जीव ऐसे हैं जो पानी वाले हैं, जैसे कि दरियाई घोड़ा है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, इन सभी में पानी जो है लगातार बदलता रहता है, जिससे कि ताज़ा पानी पड़ता रहा एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो सामान्य जो ठंडा हो रहा है पानी वो निकलता रहता है, तो पानी का तापमान मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि उन वन्य जीवों को राहत रहे। DFO विकास यादव ने आयरन गार्ड लगाने पर कहा कि हम लोगों ने शहर में अभी तक 7000 आयरन गार्ड लगाया है, जिसमें पौधे भी जीवित हैं। हम लोगों का प्लान है कि अगले साल 10000 आयरन गार्ड लगाया जाए, जिससे गोरखपुर हरा भरा बनाया जा सके। इसके लिए हम लोग जगहों को चिन्हित भी कर रहे हैं, जहाँ पर हरियाली की कमी है वहाँ पर पौधा लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा, शहर में अभी तक हम लोगों ने लगभग 7000 आयरन गार्ड लगाए गए हैं, जिसमें पौधे लगाए गए हैं और बहुत जीवित हैं, अच्छी तरीके से प्रगति बढ़ रहे हैं। वो अगले वर्ष भी हम लोगों का प्लान है कि लगभग 10000 और आयरनगढ़ पूरे गोरखपुर शहर में लगाए जाएं, और गोरखपुर की जो है हरितमा और हरित जो आवरण है उसको बढ़ाया जाए। जगह जगह पर जो हम लोग जो स्थल चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ हरियाली की कमी है, चाहे कॉलोनी हो, चाहे जो रोड डेवलप हो रही हैं उनके किनारे जहाँ पेड़ काटे गए हैं, वहाँ पर पुनः पेड़ लगाए जाने का हमारा प्रयास है, और इसी प्रयास में हम लोग 10000 और आयरन गार्ड गोरखपुर शहर में लगाने जा रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने गोलघर में निगम की तरफ से चल रहे अतिक्रमण अभियान पर कहा कि अक्सर देखा जाता है कि गोलघर व सिटी मॉल का जो मार्केट है वहां पर लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ जाते हैं, जिससे वहां के व्यापारियों व नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे ट्रैफिक भी जाम होता है, जिसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा 3 क्रेन का टेंडर किया जा रहा है,
जिससे कि सड़कों पर खड़े वाहनों को उठाकर यार्ड में पहुंचाया जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, हम देखते हैं कि खासतौर पे जो हमारे मेन मार्केट है, गोलघर का मार्केट है, सिटी मॉल के आसपास का मार्केट है और भी तमाम जो हमारे मार्केट है, हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने गाड़ियों को वहीं पे छोड़ जा रहे हैं, जिससे ना केवल वहाँ के व्यापारियों को बल्कि एक आम जन सभी गोरखपुर वासियों के लिए एक ट्रैफिक की बड़ी शिकायत हमें प्राप्त हो रही है। इसमें शासन से भी निर्देश प्राप्त हैं किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना होने पाए। इसी संदर्भ में अभी नगर निगम के पास दो क्रेन हैं, लेकिन वो क्रेन की जो क्षमता है वो छोटी गाड़ियों के लिए, हम देखते हैं बड़ी बड़ी SUV लोग लगा के जा रहे हैं, इसीलिए हमने 3 क्रेन का हमने टेंडर किया है और मुझे लगता है कि टेंडर जल्दी खुल जाएगा और उसमें 3 क्रेन आने के बाद एक बेहतर तरीके से हम कार्रवाई करेंगे ताकि रोड पर लगने वाले किसी भी व्हीकल को हम उठा पाएं। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने वाहन पर विधायक का कूट रचित वाहन पास लगाकर चलने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी इत्यानंद पांडे ने बताया कि वाहन चेकिंग के अभियान के क्रम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आदित्य सिंह पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्तमान पता रुस्तमपुर आजाद चौक थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर मूल निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है, जिसके पास से उक्त वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी ने बताया कि 14 फरवरी को महिला उप निरीक्षक दीप मंजरी पांडे चौकी प्रभारी नौकायनमय पुलिस टीम द्वारा चंपा देवी पार्क के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान गौतम विहार विस्तार की तरफ से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन आती हुई दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया गया तो भागने का प्रयास किया, जिसे घेर कर रोका गया, वाहन को चेक किया गया। वाहन के आगे एक पास लगा हुआ है जिस पर बड़े अक्षरों में विधायक लिखा हुआ था, जिसके नीचे अंडाकार आकार में उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो तथा अंदर विधानसभा सचिवालय लाल बहादुर शास्त्री भवन अथवा लोक भवन के अतिरिक्त सचिवालय के समस्त भवनों के लिए मान्य लिखा है। गाड़ी नंबर UP 53EL 2121 क्रम संख्या 1350 वैधता दिसंबर 2023 तक मार्शल उत्तर प्रदेश विधानसभा का फर्जी होलोग्राम लगा है, जिसको सफेद प्लास्टिक में एक लेमिनेशन कराकर वाहन के बाएं तरफ शीशे के निचले हिस्से में प्लास्टिक के टेप से चिपकाया गया है, जिसके संबंध में अभियुक्त उपरोक्त से पूछने पर बताया, यह पास मैंने अपने गांव के ही बगल में रहने वाले चाचा की गाड़ी पर लगे पास से कूट रचना कर बनाया है। कूट रचित पास जो मैंने बनाया है, इसका उपयोग मैं टोल टैक्स आदि से बचने के लिए व सरकारी भवनों व सरकारी कार्यालयों में इसी पास के आधार पर लोगों का काम कराकर अनुचित लाभ कमाने के लिए करता हूँ, जिसको गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी इत्यानंद पांडे, नौकायन चौकी प्रभारी दीप मंजरी पांडे, उप निरीक्षक ओम प्रकाश बिंद, कांस्टेबल आशुतोष यादव, अनिल कुमार पांडे, लव कुमार गौड़, नकीब खाम आदि मौजूद रहे।